हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिपूस कॉर्नर में। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम की। जी हाँ दोस्तों, एक ही स्किन में बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे एक्ने की प्रॉब्लम, डार्क आई सर्कल्स की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम, रिंकल्स की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सन टैन की प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत ही आम बात होती है, सन टैन की प्रॉब्लम का होना। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो हम सबके घर में अवेलेबल होता है, वो है मसूर की दाल। जी हाँ दोस्तों, रेड लेंटिल्स। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फेस पैक बना सकते हैं हम इससे, जो कि हमारे सारे स्किन प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमें इससे का फेस पैक कैसे बनाना है। दोस्तों, हम लेंगे रॉ मिल्क। जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध लेंगे और उसमें हमें मसूर की दाल डालनी है, जिससे कि ये रात भर अच्छे से फूल सके और हम इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर सके। दोस्तों, रॉ मिल्क बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है ये, और जिसके ड्राई स्किन होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसे भी क्योर करता है ये। और इसमें विटामिन बी होता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, कैल्शियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है और जो हमारे लार्ज पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, उन्हें भी ये टाइट करता है। इसलिए मैंने यहाँ रॉ मिल्क दिया। और ये देखिए दोस्तों, रात भर फूलने के बाद बहुत ही अच्छे से ये फूल चुका है, मसूर की दाल और मिल्क एक साथ बहुत ही अच्छा से मैच हो गया। और अभी हमें इसे बहुत ही अच्छे से पीस लेना है ग्राइंडर की हेल्प से। तो दोस्तों, यहाँ मैंने पीस लिया इसे और ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा ये रेडी हो चुका है। और अब हमें इसे जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम है स्किन में, चाहे वो हाथ हो, पैर में हो या फिर फेस पे हो, आप उसे लगा लें और लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दे। दोस्तों, मसूर दाल का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे स्किन को ट्रीट करने के लिए, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उन्हें टाइट कर देता है बिल्कुल भी, हमारे स्किन को ब्राइट कर देता है, हमारे जो टैन हो जाते हैं उन्हें रिमूव करता है, हमारे स्किन को क्लीन कर देता है बहुत ही अच्छे से। ये बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है, जिसकी वजह से स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है ये, और सॉफ्ट बनाता है स्किन को, नरिश करता है, ऑयल फ्री कर देता है, और जो एक्ने आने वाले होते हैं उन्हें भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब हमें इसे वॉश कर लेंगे। 10 से 15 मिनट मेरा हो गया है लगा हुआ। ये देखिए दोस्तों, आप बहुत ही डिफरेंस अच्छा देख पाते होंगे, मेरे हाथ में कितना नरिश कर दिया है, कितना सॉफ्ट बना दिया है स्किन को इस मसूर दाल ने। ये बहुत ही अच्छा पेस्ट है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और